Hello guys, welcome to Study with Fascination. This is NSO Olympiad, Class 8, Chapter 16, Stars and Solar System. Question 11. The tail of a comet points away from the sun due to जो tail है comet की वो हमेशा sun से दूर होती है क्यों? Option A, centrifugal force. Option B, electrical repulsion. Option C, attraction of comet due to other planets. Option D, radiation pressure. जो comet है वो group है icy rocks और dust particles का. जो सन है वो रेडिएशन एमिट करता है. रेडिएशन होता है ट्रांसमिशन और एमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स. जो सन है वो रेडिएशन एमिट करता है और जब कॉमेट सन के पास से गुजरता है तो इन रेडिएशन के कारण जो जो कॉमेट की शेप होती है वो कुछ इस तरह से हो जाती है. जितना कॉमेट सन के पास आता है वो उतनी रेडिएशन फेस करता है और उसकी टेल उतनी लंबी होती है, और वो जितना दूर जाता है सन से उसकी टेल उतनी छोटी होती है. तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी, रेडिएशन प्रेशर. क्वेश्चन 12. अ प्लैनेट विच इज़ कॉल्ड बोर्न सिस्टर ऑफ अर्थ इज. वो प्लैनेट जिसे बोर्न सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है वो कौन सा है? स्टेटमेंट फर्स्ट मर्क्यूरी, स्टेटमेंट बी वीनस, स्टेटमेंट सी मार्स, स्टेटमेंट डी जुपिटर. इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन बी, वीनस. जो वीनस है वो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है अर्थ के, और जो इसका साइज़ है वो अर्थ के जितना है, इसलिए हम इन दोनों को बोर्न सिस्टर भी बोलते हैं. तो जो हमारा आंसर है वह ऑप्शन बी, वीनस. क्वेश्चन 13. इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वॉज. इंडिया की जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो कौन सी है? स्टेटमेंट फर्स्ट एप्पल, स्टेटमेंट बी कनिष्क, स्टेटमेंट सी आर्यभट्ट, स्टेटमेंट डी PSLV. इसका जो आंसर है वह ऑप्शन सी, आर्यभट्ट. आर्यभट्ट जो है वो इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है. क्वेश्चन 14. विच प्लैनेट डज नॉट हैव एनी मून. इनमें से कौन से प्लैनेट का कोई मून नहीं है? स्टेटमेंट फर्स्ट वीनस, स्टेटमेंट बी मार्स, स्टेटमेंट सी जुपिटर, स्टेटमेंट डी सैटर्न. इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, वीनस. जो वीनस है इसका कोई मून नहीं है. क्वेश्चन 15. अकॉर्डिंग टू द टेबल ऑन विच प्लैनेट वुड अ बॉल फॉल फास्टर. इनमें से कौन से प्लैनेट पर जो बॉल है वो जल्दी गिरेगी? जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ में वो है 10, जुपिटर पर है 26 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर्ड, नेपच्यून पर है 14 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर्ड और सैटर्न पर है 12. सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जुपिटर में है, इसलिए जो बॉल है वो सबसे जल्दी जुपिटर में गिरेगी. तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन ए, जुपिटर. क्वेश्चन 16. रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस. स्टेटमेंट फर्स्ट, वीनस इज हॉटर देन मर्क्यूरी दो इट इज़ फार अवे फ्रॉम द सन. स्टेटमेंट फर्स्ट में जो वीनस है वो हॉटर है मर्क्यूरी से जबकि ये सन से दूर है. स्टेटमेंट सेकंड, क्लाउडी एटमोसफेयर ऑफ वीनस रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट 75% ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन इट. स्टेटमेंट टू में जो वीनस का क्लाउडी एटमोसफेयर है वो 75% सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है जो उस पर गिरती है. ये दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, लेकिन जो स्टेटमेंट सेकंड है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट फर्स्ट की. जो स्टेटमेंट फर्स्ट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो है कि जो वीनस का एटमॉस्फेयर है उस पर ज़्यादातर गैसेज ग्रीन हाउस गैसेज हैं. ग्रीन हाउस गैसेज का कॉमन एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड. ये दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि जो वीनस का एटमॉस्फेयर है उस पर ज़्यादातर ग्रीन हाउस गैसेज है, इसलिए उसका टेम्परेचर ज़्यादा है देन मर्क्यूरी. तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन बी, बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट. क्वेश्चन 17. द आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेंट इन टू स्पेस बाय इंडिया इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लॉन्चिंग डेट इज़. जो सैटेलाइट इंडिया ने सेंट की है स्पेस में उनको लॉन्चिंग डेट के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. इसका जो करेक्ट ऑर्डर है वो है ऑप्शन सी, रोहिणी एप्पल एजुसैट इनसैट 4B. जो सैटेलाइट रोहिणी है वो 18 जुलाई 1980 को लॉन्च की गई थी. जो सैटेलाइट एप्पल है वो 19 जून 1981 को लॉन्च की गई थी. और जो एजुसैट है वो 20 सितंबर
2004 को लॉन्च की गई थी, और जो इनसेट 4 भी है वो 12 मार्च 2007 को लॉन्च की गई थी। इसका जो करेक्ट ऑर्डर है वो है स्टेटमेंट सी, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 18, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। मेड ऑफ आइस एंड रॉकी मटेरियल, जो आइस और रॉकी मटेरियल से बना होता है उसे हम कहते हैं कॉमेट। तो ए का है हमारा फोर्थ, कॉमेट्स, चंक्स ऑफ रॉक्स दैट नेवर मैनेज टू कम टुगेदर एज प्लेनेट, पत्थर के टुकड़े जो कभी प्लेनेट नहीं बन पाए वो है हमारे एस्टीरॉइड्स। तो बी का है हमारा थर्ड, शूटिंग स्टार्स इन स्काई, जो शूटिंग स्टार हम देखते हैं स्काई में उन्हें कहते हैं हम मीटियोर्स। तो सी का है हमारा सेकंड, मीटियोर्स। द हंटर, ये कॉन्स्टिलेशन का कॉमन नाम है जिसका असली नाम है ओरियन। तो डी का है हमारा फर्स्ट, ओरियन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। क्वेश्चन 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज ट्रू एंड फॉल्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, मार्स इज़ द रेड प्लैनेट बिकॉज इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, जो मार्स है वो हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है सोलर सिस्टम का, जो वीनस है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। स्टेटमेंट सेकेंड, द गैलेक्सी इन विच आवर सोलर सिस्टम इज़ लोकेटेड इज़ मिल्की वे। ये स्टेटमेंट ट्रू है, जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम लोकेटेड है उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। स्टेटमेंट थर्ड, हाइड्रोजन बर्न एज फ्यूल इन स्टार्स। ये भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, जो हाइड्रोजन है वो स्टार्स में मिलती है और ये काम करती है फ्यूल का। स्टेटमेंट फोर्थ, अ नेबुला इज़ ए क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस। ये भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, जो नेबुला है वो क्लाउड ऑफ डस्ट और गैस है स्पेस में। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ट्रू। क्वेश्चन 20, फेजेज ऑफ द मून आर एज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द करेक्ट लेबलिंग। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें चार टर्म्स पता होनी चाहिए। जो फर्स्ट टर्म है वो है वैनिंग, सेकेंड टर्म है हमारी वैक्सिंग, थर्ड टर्म है हमारी गिब्बस और फोर्थ टर्म है हमारी क्रेसेंट। वैनिंग का मतलब होता है साइज में डिक्रीज होना, वैक्सिंग का मतलब है इंक्रीज होना, गिब्बस एक शेप है जो सेमी सर्कल और सर्कल के बीच में आती है, और ये शेप है हमारी कुछ इस तरह से। क्रेसेंट भी एक शेप है और ये शेप है कुछ इस तरह से। फिगर फर्स्ट में जो ये मून है ये कम्प्लीटली दिखाई दे रहा है, इसलिए ये एग्जाम्पल है फुल मून का। फिगर सेकंड में जो मून का दिखाई देने वाला पार्ट है इसका साइज रिड्यूस हुआ है, इसलिए टर्म यूज़ होगी वैनिंग, और जो ये शेप है ये है एक गिब्बस की, इसलिए टर्म यूज़ होगी गिब्बस। तो ये मून है हमारा वैनिंग गिब्बस। फिगर थर्ड में जो मून का दिखाई देने वाला पार्ट है वो और डिक्रीज हुआ है, तो टर्म यूज़ होगी वैनिंग, और जो ये शेप है ये है क्रेसेंट, तो जो मून है वो होगा वैनिंग क्रेसेंट। फिगर फोर्थ में जो मून है वो कम्प्लीटली डिसअपियर है, इसका मतलब ये एग्जाम्पल है न्यू मून का। फिगर फिफ्थ में जो मून का दिखाई देने वाला पार्ट है वो इंक्रीज हुआ, इसलिए टर्म यूज़ होगी वैक्सिंग, और जो इसकी शेप है वो है क्रेसेंट, तो ये मून है हमारा वैक्सिंग क्रेसेंट। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए, फर्स्ट है हमारा फुल मून, सेकंड है हमारा वैनिंग गिब्बस, थर्ड है वैनिंग क्रेसेंट मून, फोर्थ है हमारा न्यू मून और फिफ्थ है हमारा वैक्सिंग क्रेसेंट मून। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन ए।